तो आज के इस वीडियो में हम कॉपर का एनालिसिस करने वाले हैं और कॉपर के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या रहने वाले हैं इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आना होता है एंजल वन एप्लीकेशन पे और एंजल वन एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको इंस्टाटेड एफेंडो पे क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टाटेड एफेंडो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंस्टाटेड की ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है। इस ट्रेडिंग विंडो में हमें कॉपर को ऐड कर लेना है। अगर कॉपर आपके इस मार्केट वॉच में ऐड नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको साइड में एक प्लस की बटन देखने को मिलेंगी। इस प्लस की बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉपर 31 मार्च का ये फीचर एक्सपायर्ड हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से ऐड करना है। इसको रिमूव करने के लिए उस पर कुछ सेकेंड के लिए टेप करना होता है, इसके बाद इसे रिमूव बटन पर क्लिक करना होता है। तो कॉपर हमारे सामने रिमूव हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपर को ऐड करेंगे। तो जैसे हम कॉपर लिखते हैं तो हमारे सामने 28 अप्रैल का फ्यूचर आ जाता है CMD। तो इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये कॉपर ऐड हो जाता है। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही लग जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि 28 अप्रैल एक्सपायरी का कॉपर का चार्ट हमारे सामने लग चुका है। अब हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया था तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो कुछ ट्रेंड लाइन और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जहाँ से कॉपर में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इसका एक लो पॉइंट है। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं जहाँ से कॉपर ने क्लोजिंग दिया था कल का। तो हमने यहाँ पे दो लाइन को ड्रॉ कर दिया है। इसके साथ ही अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉपर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे एक ALM इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर इसके अंदर सबसे पहला हमें रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आएगा। तो हमें पहला रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो जो अभी प्राइस चल रहा है 781.20 चल रहा है, तो इसके लिहाज से पहला रेजिस्टेंस जो हमारे सामने निकल के आता है 784 का निकल के आता है। अगर ये रेजिस्टेंस कॉपर ब्रेक कर देता है तो कॉपर में हमें अगला जो रेजिस्टेंस है ये 792 का हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि कॉपर में हमें तेज़ी आते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन अगर कॉपर 792 के प्राइस को होल्ड कर लेता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो उस कंडीशन में कॉपर में हमें 795 का एक ऊपर का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ से बात करें तो 795 to 800 तक के हमें अपसाइड कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ये कॉपर के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आने वाले समय में रहने वाले हैं। लेकिन अगर कॉपर ये वाला जो इसका सपोर्ट लेवल है जो 774 का है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो कॉपर में हमें यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है और कॉपर 770 से लेकर 767 के लेवल तक के स्लिप हो सकता है। और ये लेवल भी अगर कॉपर ब्रेक कर देते हैं तो कॉपर में हमें 760 तक के हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कॉपर में सेलिंग आ सकती है और हम इसमें सेल करके अपने पोजीशन को बनाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक फ्यूचर में सेल की बटन देखने को मिलेंगी। इस बटन के ऊपर क्लिक करना होता है, यहाँ पे वन लॉट मेंशन करना होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कॉपर को 785 के लेवल पे बेचना चाहता हूँ और यहाँ पर देखूँगा कि कॉपर के एक लॉट में 2500 किलोग्राम्स क्वान्टिटीज़ आती हैं तो और यहाँ पे जो मार्जिन लगने वाला है 290,420.31 का लगेगा। यहाँ पे एक बार पोजीशन बनाने के बाद जो मुझे अलग से चार्जेस पे करने होंगे ये मुझे देखने को मिलता है कि मुझे इस पोजीशन के ऊपर 115.76 रुपये मुझे चार्जेस लगेगा। ब्रोकर्स पर टैक्सेस यहाँ पे कैलकुलेटेड है। इसके साथ यहाँ पे सेल ऑप्शन पर प्रेस करूँगा, कन्फर्म ऑर्डर पर प्रेस करूँगा, मेरा ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। जैसे ही मेरा प्राइस 781 का आएगा और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मुझे अपना पोटेंशियल रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मुझे एट अ टाइम अपनी पोजीशन को स्क्रब करना है तो मैं यहाँ पे बाय ऑप्शन का यूज़ करके अपने पोजीशन को स्क्रब कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी जो पोजीशन है सेल की पोजीशन बनाई है। अगर मैं बाइंग की पोजीशन बनाता तो मैं यहाँ पे सेल ऑप्शन का यूज़ करके अपने पोजीशन को स्क्रब करता। इसके बाद अगर मैं एट अ टाइम अपने पोजीशन को मॉडिफाई करना चाहता हूँ या कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके मैं अपनी पोजीशन में टारगेट वगैरह को चेंज कर सकता हूँ या करंट मार्केट पे अपनी पोजीशन को स्क्रब कर सकता हूँ। इसके साथ ही टूल ऑप्शन का यूज़ करके मैं अलग अलग टूल्स को लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो टूल का यूज़ किया है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा के रखी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ट्रेंड लाइन, इस प्रकार की लाइनों को आप ड्रॉ कर सकते हैं। FX ऑप्शन का यूज़ करके आप अलग अलग इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को आप ड्रॉ करके आप अपने चार्ट का प्रेडिक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि एंजल वन एप्लीकेशन को यूज़ करना कितना ईजी कितना आसान है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो फिर डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका 1 ईयर के MC चार्जेस बिल्कुल फ्री रहता है, साथ ही आपका डीमैट अकाउंट भी बिल्कुल फ्री में ओपन होता है। तो देर न करें, आज अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन कर
करो, शानदार टूल का लाभ लेके अपने ट्रेडिंग स्किल को और ज़्यादा इजी आसान बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।